लोगों को मुझे बताओ चार्जिंग सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? किसको आया? हाथ खड़े कर रहे हो? और चार्जिंग सप्लाई में प्रैक्टिकल करने के लिए जोश है कि नहीं है? किस किस को जोश है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? मुझे बताओ कोई भी चार्जिंग सेक्शन छोड़ा कि नहीं छोड़ा हमने? आप कितने सारे आपके कितने सारे सेट बनाए हमने यहाँ पर? यहाँ तक कि सीपीयू चेंज करना पड़ा तो चेंज करके भी दिखाया। मुझे बताओ हाथ नीचे कर, मुझे बताओ कौन कौन यहाँ पर चार्जिंग में, अगर आपको पता है उपकरण, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, अगर वो है बिना उठाए आईसी चेक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? बिना उठाए आईसी? अब तो ऐसा है कि हम आईसी उठाए बिना बता सकते हैं कि आईसी काम कर रही है या नहीं। आपको डीओसी की रीडिंग भी आई? यस सर। आपने डीपीडीएम के प्रोटोकॉल भी देखे? जी जी। प्रोटोकॉल है 19 जिसके लिए सीपीयू तक गए थे सर। एमआई का Y1 था जिसमें डी माइनस डी प्लस की सप्लाई में शॉर्टिंग आ रही थी। ठीक है। तो डायरेक्ट सीपीयू उठा के सीपीयू चेंज किया सर। सीपीयू चेंज किया? यस सर। सर आज की क्लास बहुत अच्छी थी, चार्जिंग के संबंधित क्लास थी सर आज। तो आप बहुत पुराने समय से काम कर रहे हो, आपको आप नई नई चीजें क्या सीखने को मिली? बहुत अच्छा मिल रहा सर, बहुत सीखने को मिला। कोई सा भी अगर आपके पास चार्जिंग का फॉल्ट आता तो बनाने में कितना समय लगेगा? आईसी को टेस्ट करने में कितना समय लगेगा बताइए आप मेरे को। टेस्ट करने में मुश्किल से 5 मिनट। 5 मिनट में आप चार्जिंग का सर्किट ओके कर दोगे? बिल्कुल सर। चलिए, और आज तक वो जो चार्जिंग में हम नहीं पढ़ पाए और नहीं समझ पाए वो सारी चीज़ आज क्या बोलेंगे देव सर को? थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आज सर, आज सर हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी देव सर के साथ। देव सर ने सीपीयू वाइज हमको समझाया, जो कि जितने भी अभी तक के सीपीयू है अवेलेबल है मार्केट में उन सबका पेट टू पेट का नॉलेज दिया सर। वी बेट से लेके डी प्लस डी माइनस सब आज बहुत बढ़िया सर क्लास रही। जो सीसी तक काम करते थे हम, अच्छा अभी आईसी तक कर लेंगे काम। आईसी तक कर लेंगे? यस सर। पूरे पेट का नॉलेज हुआ आपको? यस सर। कौन सा पेट क्या काम कर रहा है? यस सर। वी बस डेटा माइनर डेटा प्लस आईडी क्राउन कौन सी ट्रक जाती है, कहाँ जाती है, कौन से आईसी में जाती है, वो सब सर ने ट्रैक करके प्रैक्टिस करके सब बताया। और लैब में भी आगे हमने प्रैक्टिस किया और हमको अच्छा लगा। चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी सर, मुझे डीपली नॉलेज मिला। मैं तो टॉप गार्ड तक ही काम करता था, ये नहीं पता सीपीयू तक लाइन जाती सर। अच्छा। आज सर देव सर ने सब डीपली बताया। सीपीयू तक पहुंच गए आप? हाँ सर। चार्जिंग की क्लास का एक्सपीरियंस ये अलग है सर, चार्जिंग अलग है सर। कैसा लगा ओवरऑल? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर। तो बाय प्रैक्टिकल भी देखा आपने? जी। कितने सर्किटों पे देखने को मिला? कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 में तो देखे। 20-25 सेट पे आपने देखा इसको? जी सर। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? बस सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
तरीके आप लोग बताएं, एक चार्जिंग आईसी आपकी कौन सी सही है या गलत है, आप में से कौन बता सकता है कि सही है कि गलत है, और देव सर के साथ में थी सर, जो कि हमको एक एक करके उसका कंपोनेंट के बारे में, उसके सेक्शन क्या काम करता है, क्या उसमें क्या शॉर्ट होता है, सब उसके बारे में हमको पूरी जानकारी। दुनिया का कोई सा भी मोबाइल आपके हाथ में रख दूंगा सर, सब बिल्कुल। अभी ये बताओ मेरे को कि चार्जिंग आईसी को सर्च करने में, ट्रेस करने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ऐसा तरीका बताया आपको सर? बिल्कुल तरीका बताया सर। अब तो ऐसा है कि हम आईसी उठाए बिना बता सकते हैं कि आईसी काम कर रही है या नहीं। आपको डीओसी की रीडिंग भी आई? यस सर। आपने डीपीडीएम के प्रोटोकॉल भी देखे? जी जी। प्रोटोकॉल है सर, चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी, हमने बिना चार्जर लगाया चेक किए किसके कितना जीआर आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, फिर चार्जर लगा कर देखे कितना वोल्टेज आ रहा है कितना, फिर उसका ट्रेसिंग किया सर हम लोग, कौन सा कंपोनेंट में कितना वोल्टेज आ रहा है सब हम चेक किया सर। एंडलेस नॉलेज मिला? एंडलेस नॉलेज मिला, बहुत बढ़िया रहा क्लास। सारे सीपीयू पे देखा? हाँ सर, सीपीयू पे देखा। ठीक है, क्लास कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया सर। एंडलेस नॉलेज मिला? एंडलेस नॉलेज मिला सर। और बताइए मेरे को, इससे पहले सब बोर्ड के बारे में इतना ही पता था, ऊपर सप्लाई कहाँ से कहाँ जाती है बिल्कुल नहीं पता था। और अभी 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 की बात करूँ मैं तो ये 10 बज रहे हैं, आपको 5-10 मिनट में काम हो जाएगा सर, चार्ज हो जाएगा। हाँ, दूसरे मॉडल सारे मॉडलों पे बताया कि नहीं बताया? बात करूँ सैमसंग की, बात करूँ मैं आपकी MSM की, है ना, SMB की बात करूं मैं आपसे, है ना, आपकी चार्जिंग पावर में भी आती है, उसके अंदर बात करूं तो उसके अंदर आपको, आप लोगों को बताया कि नहीं बताया? बताया। चार्जिंग सबकी सर नॉलेज मिली फुल डीपली सर। अच्छा, तो उन सब चीज़ों को आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? जी सर, प्रैक्टिकल में वो चीज़ पाई गई कि नहीं पाई गई? पाई गई, एक नंबर। एंडलेस सॉल्यूशन मिला आपको? बिल्कुल। अभी कोई ट्रेसिंग करने में या कुछ में मसला है क्या? नहीं नहीं कोई। चार्जिंग का अगर कोई केस आता तो कितनी देर में बना दोगे आप? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई फॉल्ट में कोई दिक्कत परेशानी आईसी उठाने में करने में, कब हमको आईसी उठाना है, कब हमको सर्किट पे काम करना है, कब कंपोनेंट को चेंज करना है, है ना, कहाँ वोल्टेज चेक करना है, कहाँ हमको जीआर चेक करना है और कहाँ फ्रीक्वेंसी चेक करना है? फ्रीक्वेंसी डीएसओ को भी बताया ना आपको? डीएसओ को भी बताया ना? बहुत नॉलेज मिला एंड डीपली एंड तक मिला? जी सर जी। चार्जिंग सीपीयू तक भी जाता है? जी सर जाता है ना जी। देखा ना जी, सीपीयू बदल के भी देखा जी सर, फिर चार्ज करके देखा जी। एसी लगी आपको? मनीष, एंडलेस नॉलेज मिला कि नहीं मिला? हाँ जी सर। डाटा माइनस डाटा प्लस का क्या भूमिका होती है मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? बूट कैपेसिटर की भूमिका क्या होती है? चार्जिंग बनाने में डीएसओ की भूमिका क्या होती है? उस बक कॉइल की भूमिका क्या होती है, पता चला कि नहीं चला? हाँ जी सर, पता चला। शिवा जी सर। जी शिवा बताइए, आज चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी? मेरा खुद का A50 था, मैंने खुद किया। आपने खुद किया? खुद किया सर। बहुत बढ़िया से समझाया सर ने, तो पूरा चार्जिंग आपके समझ में आया? हाँ सर। चार्जिंग कनेक्टर और कनेक्टर ही समझ में आया आपको? ये बताओ ना, पूरा सप्लाई कहाँ से कहाँ जाती है? एंडलेस मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? पूरा एंडलेस। थैंक यू सर। यहाँ पे तो जितना सर, सबको सबका सेट का प्रॉब्लम था, सबका फाइनल आउट हो गया सर। नहीं, यहाँ पे सबका फाइनल हो गया। आपने जब क्लास में, जब आपकी क्लास में थी देव सर के साथ आपकी क्लास थी, तो कितने मॉडलों पे आपने चार्जिंग देखा? सारी मॉडल सर। सारे मॉडलों? ऑल मॉडल। ऑल मॉडल। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर।